ये छोटी सी मस्जिद बनी हुई है इधर, अल्लाह का घर, नमाज पढ़ने वगैरह के लिए। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज के ब्लॉग शुरू करते हैं। अब तो गाइस मैं उठ चुका हूँ और फ्रेश हो चुका हूँ और चलते हैं बाहर, बाहर चल के आपको दिखाते हैं भी आज कैसा मौसम है। गाइस ज़िंदगी का एक और नई सुबह, खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है और परिंदे चहचहा रहे हैं जी, और सूरज की हम तलाश में हैं। ये देखें जी, सूरज निकल रहा है, ये देखें जी सूरज का खूबसूरत मंजर निकलने का, और परिंदे भी उठ चुके हैं और हम भी उठ चुके हैं जी। तो माशाल्लाह से ज़िंदगी की नई सुबह का आगाज हो चुका है। आज धुंध बहुत कम है, कल की नस्बत कल बहुत ज़्यादा धुंध थी, लेकिन आज मौसम बहुत ही प्यारा है। आज ये देखें जी, ब्लैक ब्लैक सी खूबसूरत सी चिड़िया, जा रहे हैं गांव की तरफ। गांव की तरफ चल के आपको गांव का माहौल दिखाते हैं, गांव का देसी माहौल कैसे गांव होते हैं, उसका माहौल कैसा होता है और वहां के लोग कैसे रहते हैं, कैसे काम वगैरह करते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं खूबसूरत गांव। गांव का हमने रुख कर लिया और चलते हैं अब गांव की तरफ और आपको दिखाते हैं गांव में क्या क्या होता है। गाइस गांव की अधूर शुरू हो चुकी है और सूरज निकल रहा है जी अपनी अपूताप के साथ, अपने किरने बिखेरे हुए, और ये फसलों से आगाज हो चुका है। और सामने ये देखें जी, कुछ आदमी अपना चारा लेने आए हुए हैं खेतों में। ये देखेंगे ये काफ़ी दूर है और ये देखेंगे ये मक्की छिली जा रही है, और ये तकरीबन अब खेत ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया। ये सामने लोग काटी जा रहे हैं, ये देखेंगे जा रहे हैं जी गांव की तरफ। इधर बैठे हैं जी, एक छोटा सा कटा बच्चा और एक छोटा सा बच्चा और एक बच्चा खड़ा है जी, और इधर ये जानवर खड़े, ये छोटी खड़ी है जी, ये खूबसूरत गाय
ये देखेंगे, खूबसूरत गाय है जी, और भी एक गाय बैठी है, ये देख लीजिए जुगाली कर रही है। और एक भैंस, और ये एक बच्चा, ये गाय, और ये एक और सुंदर सी गाय माशाल्लाह से, और ये एक भैंस सो रही है जी, और एक ये खड़ी हो गई जी। ये भैंसें डर जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो माशाल्लाह से जी इधर काफ़ी खूबसूरत जानवर। ये देखें जी माशाल्लाह से इधर बहुत खूबसूरत खेत हैं जी गाँव में। और इधर जानवर भी बांधे हुए हैं जी, ये देखेंगे ये खूबसूरत जानवर। और ये देखेंगे एक दूसरे को चाटा जा रहा है, प्यार हो रहा है, जानवरों का भी प्यार बहुत ही निराला होता है। माशाल्लाह से जी इधर भी जानवर बांधे हुए हैं धूप में, क्योंकि सर्दी का मौसम आ चुका है और जानवरों को धूप में बांधा जाता है, रात को कमरों वगैरह में बांधा जाता है। ये देखें जी काफी खूबसूरत जानवर हैं जी। ये देखें जी गांव में सब्जी भी जा रही है रेडी पे मॉल जी। ये देखें जी और आगे ये देखें जी थापियां वगैरह गोबर वगैरह जानवरों में, एक गोबर से ये थापियाँ वगैरह तैयार की जाए जो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और सामने एक जी बैल खड़ा है जी, वो देखें जी उसने देख के हमें स्पीड लगा दी है। ये देखें गाय है जी गाय, और गाय की स्पीड चेक करें जी माशाल्लाह से। और इसके पीछे डॉगी भी है जी, ये देखें और ये अपनी जगह पे जा रही है जी। तो गांव का खूबसूरत माहौल, गंदम की काश्त हुई हुई है और उधर उस पर शबनम देखें जी लिशके मार रही, चमक मार रही, यानी कि ये देखें गंदम का खेत। और ये साथ है जी बरसीम और साग का खेत, ये फूल निकल रहे हैं जी पीले पीले काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, साग के सरसों के और सरसों का खेत इतना खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। सरसों ग्रीन ग्रीन और येलो येलो फ्लावर फूल काफी खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है।
गाइस, एक छोटी सी बच्ची अपने जानवर को चारा डाल रही है जी, माशाल्लाह से। बच्ची कर रहा है और पानी में बाप नहीं कर रही है जी, ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे बाप नहीं कर रही है। ये देखें, उसे बाप नजर आ रही है, देखें कैमरे में भाई बाप नजर आ रही है नहीं आ रही, लेकिन ये टूल चल रहा है। और इसमें बाप नहीं कर रही है जी, माशाल्लाह। ये नन्हे मुन्ने बच्चे इधर अपने बर्तन धोने आए हैं। और ये पानी जा रहा है जी खेतों को। ये छोटी सी मस्जिद बनी हुई है इधर, अल्लाह का घर, नमाज पढ़ने वगैरह के लिए। तो माशाल्लाह से काफी ज्यादा खूबसूरत है, इधर तीन चार आदमी नमाज पढ़ सकते हैं। और ये सामने लगी हुई बेरी, ये छांव वगैरह, और ये इधर है जी पट्टा, और पट्टे पर ये देखें जी इतना खूबसूरत मंजर, अल्लाह का घर, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत। ये देखें जी चारा लाया जा रहा है रेड़ी पर, और सामने जी ट्रैक्टर को जोता जा रहा है जी। करते हैं गाइज, आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ आज के ब्लॉग खत्म करते हैं, आपसे जा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।